दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में कोबरा सांप की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? अगर नहीं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के कोबरा प्रजातियों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। हमारे देश में सांपों के बारे में अध्ययन करने वाली बहुत सी संस्थाएं हैं। उनके मुताबिक भारत में पाए जाने वाले कोबरा के स्पेक्टेकल कोबरा और मोनोक्लेयर कोबरा ऐसे मुख्य दो प्रकार पाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के अनुसार भारत में कोबरा के मुख्य पांच प्रकार पाए जाते हैं। नंबर एक, स्पेक्टेकल कोबरा, जिसे आमतौर पर इंडियन कोबरा, कॉमन कोबरा या बिनोसिलेट कोबरा के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, जो इलापिडे फैमिली का बहुत ही जहरीला सांप है। भारत के बिग फोर सांपों में इसका मुख्य रूप से समावेश किया गया है। भारत में सबसे अधिक स्नेक बाइट इसी सांप के काटने से होते हैं, क्योंकि ये सांप पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। मराठी में इसे नाग, असम में फेटिगोम, बंगाली में गोखरा या खरीस, हिंदी में नाग, अवधी में फेतार या फिटार, मगई और भोजपुरी में गेहूवन, छत्तीसगढ़ में डोमी, गुजराती में नाग, कन्नड़ में नागरहाऊ, मलयालम में मुरक्कन, उड़िया में गोखरा सापा या नागा सापा, सिहेली में नया या नागाया और तमिल में नल्ला पम्बू या नागा पम्बू के नाम से जाना जाता है। इनकी मादा अप्रैल से जुलाई के बीच 10 से लेकर 30 अंडे देती है। 50 से 70 दिनों में इन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। जन्म के समय इनकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय से ही ये स्वतंत्र होते हैं और इनमें फैंग्स और वेनम ग्लैंड जन्म से ही मौजूद होती है। इनके वेनम में मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन्स और कार्डियोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं। इनका स्नेक बाइट होने पर इलाज के लिए पॉलीवेलेंट सीरम ASV यानी एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। इसके काटने के लक्षण क्या है और कितने देर बाद शुरू होते हैं, इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। ये सांप हिंदू पौराणिक कथाओं में और संस्कृति में पूजनीय माना जाता है, जिसके चलते इसके बारे में ढेर सारे मिथक भी प्रचलित है। अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो आई बटन में मिलेगी। इनका रंग, आकृति और फन पर पाए जाने वाले निशानों में काफी भिन्नता पाई जाती है, तो कई बार इनके फन पर किसी भी तरह का निशान नहीं होता, जिससे धोखा खाकर बहुत से लोग इसे धामन सांप समझ बैठते हैं। इनके फन पर दिखने वाले चश्मेदार निशानों से इनकी पहचान करना आसान होता है। नंबर दो, मोनोक्लेड या मोनोसिलेट कोबरा। ये उत्तर और पूर्व भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला सांप है। इसे चंद्रनाग के नाम से भी जाना जाता है। स्पिटिंग कोबरा के बाद ये दुनिया का दूसरा सांप है जो अपने विष को थूक सकता है, इसलिए इसे इंडियन स्पिटिंग कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है नाजा काउथिया। इस सांप का आयुषियन रेड लिस्ट में समावेश किया गया है। इसमें इंग्लिश के वो आकार जैसा हुड पैटर्न होता है। ये निशान आग के आकार का भी हो सकता है। ये निशान कई बार धुंधला तो कभी कभार टूटा हुआ दिखता है। स्पेक्टेकल कोबरा की तुलना में इसका फन छोटा और गोल होता है। स्पेक्टेकल कोबरा और मोनोक्लेड कोबरा में क्या फर्क होता है, जानने के लिए वीडियो लिंक आई बटन में उपलब्ध है। ये बहुत ही तेज और सतर्क सांप है। खतरे की भनक लगते ही ये अपने शरीर को हवा में उठाकर जोर जोर से फुत्कारता है और हमला करता है। इनकी मादा जनवरी से मार्च के बीच 8 से 20 अंडे देती है। इन अंडों से बच्चे बाहर निकलने तक मादा उनके आसपास ही रहती है। 50 से 70 दिनों के भीतर इन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। इसके वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स के साथ साथ मायोटॉक्सिन्स और कार्डियोटॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। नंबर तीन, अंडमान कोबरा। ये भारत के अंडमान द्वीप समूह में पाए जाने वाले कोबरा की प्रजाति है। इस सांप में बहुत शक्तिशाली जहर होता है। ये स्पिटिंग कोबरा के बाद तीसरा ऐसा सांप है जो अपना जहर थूक सकता है, इसलिए इसे अंडमान स्पिटिंग कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है नाजा सैगिटी फेरा। ये लंबाई में मध्यम से बड़े आकार के लेकिन भारी भरकम शरीर वाले सांप होते हैं। इस सांप के जहर के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये शर्मिले किस्म का सांप है और संघर्ष से बचने की कोशिश करता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर अपना फन फैलाकर जोर से फुदकारता है। लेकिन इसके काटने के मामले कहीं पर दर्ज नहीं है। इनकी मादा मई के महीने में अंडे देती है और बच्चे बाहर निकलने तक सारा समय उनके आसपास ही रहती है। इनके फन पर किसी भी तरह का निशान नहीं होता, लेकिन कभी कभार आग के जैसे शल्क का निशान पाया जाता है। ये ज्यादातर घने जंगलों में रहने वाला सांप होने के कारण इंसानों से इसका ज्यादा संपर्क नहीं होता। नंबर चार, कैस्पियन कोबरा या सेंट्रल एशियन कोबरा। ये भारत में पाए जाने वाले कोबरा की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। ये सांप संभवतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में देखा गया है। हालांकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मेलघाट में भी इसके होने की सूचनाएं मिली थी, लेकिन अभी तक इसका पुष्टिकरण नहीं हुआ। इस सांप को हिंदी में छजीती वाला सांप के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है नाजा ऑक्सियाना, जिसे सेंट्रल एशियन कोबरा, लेडल स्नेक,
ऑक्सस कोबरा या रूसी कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। ये एलापिडे परिवार के विषैले सांप की प्रजाति है। कैस्पियन कोबरा को दुनिया के सभी कोबरा प्रजातियों की सबसे जहरीली प्रजाति माना जाता है। कई वर्षों तक इस सांप को इंडियन कोबरा की एक उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बाद इसे कैस्पियन कोबरा प्रजाति माना जाने लगा। ये दुर्लभ प्रजाति होने के कारण भारत में इसके काटने की कोई भी घटना अभी तक दर्ज नहीं है। ये भारी भरकम शरीर वाले मध्यम लंबाई के सांप होते हैं। ये सांप जितना संभव हो सके उतना इंसानों से दूर रहता है, लेकिन इसे खतरा महसूस होने पर ये अत्यधिक आक्रामक होता है और अपना फन हवा में उठाकर जोर जोर से फुत्कारता है और हमला बोल देता है। ये सांप ज्यादातर छोटे स्तनधारियों, मछलियों, पक्षियों और उनके अंडों को खाता है, लेकिन अभी तक इसे दूसरे सांप को खाते हुए नहीं देखा गया। नंबर 5, किंग कोबरा, नागराज या ऑफियोफेगस हनाहा। असल में किंग कोबरा ये कोबरा की प्रजाति नहीं है, तो इसकी एक अलग ही प्रजाति है जिसे ऑफियोफेगस हनाहा कहा जाता है। ऑफियोफेगस का मतलब है दूसरे सांपों को खाने वाला। तो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि भारत में कोबरा की स्पेक्टेकल कोबरा, मोनोक्लेड कोबरा, अंडमान कोबरा और कैस्पियन कोबरा ऐसी मुख्य चार प्रजातियां पाई जाती है। धन्यवाद।